तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करने का, उनके ऑफिसेज रेजिडेंसेस पर रेड करने का और उनके पासपोर्ट को रद्द करने का सारे जो सिलसिले हैं, सारे प्रक्रिया शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में बैंकों का राजनीतिकरण होता था और राजनीतिक हस्तक्षेप कांग्रेस में कार्यकाल में होता था और ऐसे धोखेबाजों को उनको बचाने की काम होता था राहुल गांधी के कांग्रेस की सत्ता के समय। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में किसी गुनहगार को बख्शने की काम सरकार नहीं करती है, हर एक को पकड़ने की और उनके संपत्ति को हड़पने की सरकार के सीज करने की सरकार प्रयास कर रही है और पूरी तरह सरकार इनसे पैसा वसूलने की काम करेगी।